चैनल इजी ब्यूटी टिप्स। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। आज की जो मेरी वीडियो है वो है हेयर के ऊपर। आज मैं आपको इस वीडियो में हेयर मास्क बनाना सिखाऊंगी और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आपके बाल झड़ते हैं, अगर आपके बालों में डैंड्रफ है और आपकी हेयर ग्रोथ नहीं होती है, और अगर आपके दो मोबाइल हैं, तो आप इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। अगर आपके पास नेचुरल लीफ है तो आप उसका भी एलोवेरा जेल निकाल सकते हैं और उसका भी यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज मैं इसमें ले रही हूँ कैस्टर ऑयल। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप उसमें कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, या जो भी आप हेयर ऑयल यूज करते हैं आप उसका भी यूज इसमें कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने एलोवेरा जेल लिया है तो 1 चम्मच ही मैं इसमें कैस्टर ऑयल लूंगी। कैस्टर ऑयल जो है हमारे बालों के लिए काफी अच्छा होता है। इससे जो है हमारे बालों की जड़ें जो है काफी मजबूत हो जाती है और डैंड्रफ बहुत आसानी से इससे चला जाता है। ये देखिए, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए हमारा मास्क बनके तैयार हो चुका है। अब हमें इसे लगाना कैसे है मैं आपको बता दूं। आपको इसे लगाना है अपने बालों की जड़ों में। आपको करना क्या है, अगर आप रात में लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप रात में इसका यूज नहीं कर रहे हैं तो अगर आप दिन में कर रहे हैं तो नहाने से इसे 2 घंटे पहले आप जरूर लगाइएगा। करना क्या है, अपनी फिंगर की मदद से अपने बालों की जड़ों में इसे अच्छी तरीके से लगा लेना है, और लगाने के बाद जब ये बच जाए तो सबसे नीचे वाले बालों में इसे लगा लेना है जहाँ से आपके 2 मोबाइल हो जाते हैं। अब आपको इसका यूज कैसे करना है मैं आपको बता दूं। आपको करना है अपने बालों की जड़ों में इसे अच्छी तरीके से लगाना है। अगर आप इसे रात में यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसे रात में यूज नहीं कर रहे हैं तो नहाने से 2 घंटे पहले आप इसे जरूर लगा लीजिए। करना क्या है, फिंगर की मदद से आपको अपनी बालों की जड़ों में इसे अच्छी तरीके से लगाना है और 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसकी मसाज करनी है। और उसके बाद अगर ये बच जाता है आपका तो आप जहाँ पे आपके 2 मोबाइल हो चुके हैं सबसे नीचे वाले हिस्से में बालों की ग्रोथ में, मतलब आप देखिएगा सबसे नीचे वाले हिस्से में जहाँ 2 मोबाइल होते हैं वहाँ पर आप इसे अच्छी तरीके से लगा लीजिए और इसे कम से कम 2 घंटे ऐसे ही लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप बाथिंग कर सकते हैं, आप जाके नहा सकते हैं, अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं नॉर्मल पानी से। ऐसा आपको हफ्ते में 3 बार करना है और जैसे जैसे आपके बाल सही होने शुरू हो जाए तो आप इसका यूज बंद भी कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, जिस दिन भी आप ये पैक लगाएंगे अपने हेयर में तो आपको उसी रात में अपने हेयर पर ऑयल लगाना है, अच्छी तरीके से मसाज करनी है और ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है और नेक्स्ट डे उसे वॉश कर लेना है। ऑयल भी काफ़ी अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए। बहुत से लोग क्या होते हैं अपने हेयर में ऑयल नहीं लगाते हैं जिसके वजह से उनके बाल काफ़ी बेजान हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, सिर में डैंड्रफ हो जाती है। कितनी वजह तो यही होती है कि बहुत से लोग हेयर ऑयल नहीं लगाते हैं, इस वजह से उनके बालों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हफ्ते में आप 2 बार लगा लीजिए, 3 बार लगा लीजिए, लेकिन आप हेयर ऑयल का यूज़ ज़रूर करिए। अब तो आपने देखा होगा ओनियन का भी एक ऑयल आ रहा है जो सुनने में आ रहा है कि काफ़ी अच्छा है। मैंने भी यूज़ करके देखा उसे, उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं ओनियन ऑयल मामा अर्थ का तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।